तो शूज को खोल लिया जाए, उसके बाद फिर अंदर चलेंगे। और ये रास्ता, तो अभी हम लोग आ चुके हैं रांची के जगन्नाथ मंदिर में। चले भैया, मंदिर में आ चुके हैं और सीढ़ियां को चढ़ रहे हैं, अभी ऊपर जा रहे हैं। तो इस मंदिर के बारे में भी कुछ ऐतिहासिक बातें हैं जो कि मैं चढ़ूंगा, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। तो अभी ये सीढ़ी है, देखिए ये सीढ़ी से हम लोग चढ़ रहे हैं। इधर से अभी आए और वहाँ पर हमारा बाइक लगा हुआ है रैपिडो वाला, और घूमते घूमते बहुत ही टाइम हो गया है, लेकिन अभी जगन्नाथ मंदिर फाइनली पहुँच चुके हैं और ये अभी ऊपर पहुंच ही रहे हैं। ये सीढ़ी है, एक इधर से भी रास्ता है और एक इधर से भी रास्ता है, दोनों साइड से आप आ सकते हैं। तो शूज को खोल लिया जाए, उसके बाद फिर अंदर चलेंगे। और ये रास्ता, यहाँ पे कुछ जगन्नाथ मंदिर के बारे में, समिति के बारे में कुछ लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे एक छोटा सा विश्वनाथ शिव जी का मंदिर है, तो इसको दिखा देते हैं एक बार। ये यहाँ पे विश्वनाथ शिव जी का मंदिर, और यहाँ से मेन रास्ता। तो एक बार अच्छा सा व्यू देते हैं, फिर आगे चलेंगे। अभी हम लोग इसके ऊपर चढ़ रहे हैं, इसके साइड साइड परिक्रमा करने के लिए। भाई साहब, बहुत ही कमाल का व्यू आ रहा है यहाँ से। ये जो जगन्नाथ मंदिर है, ये रांची के भुआ में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है एक नागवंशी राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने 1961 में की थी। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग वो 85 to 90 मीटर है। तो अभी हम लोग इसके परिक्रमा लगाते हैं और फिर उसके बाद मैं आपसे नीचे मिलता हूँ। देखते हैं अंदर मंदिर का मेन जो ग्री होता है वो देखने मिलता है हमें कि नहीं मिलता है। मंदिर के बाहर इस साइड पूजा पाठ वगैरह होता है, मतलब पूजा करना चाहते हैं वो पूजा पाठ होता है। और यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं पानी पी के। भगवान के घर में चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने चुपके से वीडियो ले लिया अंदर का, लेकिन मना था, लेकिन मैंने सोचा ले के तो जाऊंगा ही जाऊंगा।
तो फिलहाल यही था यहाँ का वीडियो, अभी नीचे पहुँचते हैं फिर बात करते हैं, अभी हंसी आ रहा है बहुत जोर से।